हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमसी हिंदी अद्वैत अमृतम। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में एक साधक मुमुक्षु को क्या क्या चीज रोकने वाला है हमको समझ में आ गया। आज इस एपिसोड में कैसा आगे जाना है, किस चीज को पकड़ने से एक मुमुक्षु उस मोक्ष का तरफ जा सकता है, उसको जानकारी लेगा। फ्रेंड्स, फिर हम वशिष्ठ जी के पास आ जाएगा। वशिष्ठ जी ने बहुत अच्छा चार विधान हमको दिया। क्या है ये चार? मतलब एक मुमुक्षु आगे जाना है, मतलब फोर चेक पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, किधर भी मैं चेक पॉइंट्स बता दिया, मतलब उधर अपने आप को चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक साधना बाहर दिखाने वाले चीज नहीं, कोई आकर करेक्शन नहीं करेगा। इधर एग्जामिनर भी आप है, एग्जाम लिखने वाला भी आप है, और इसको करेक्ट करने वाला भी आप ही है, यही अंतर्मुख है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने आप के लिए साक्षी बनकर चेकआउट करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है मुमुक्षु का चार रास्तों में? फर्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब विचार करना। कुछ भी अच्छा बुरा, सही गलत कैसा पता चलेगा? विचार करने से। एक बुद्धिमान कभी भी विचार करता है कुछ भी काम करने का पहले, किधर तक मैं करना, किधर तक नहीं करना, क्या समझना किधर तक है, बाकी सही और नहीं, ये सब विचार में आ जाएगा। विवेकी विचार करता है माय डियर फ्रेंड्स। किसके बाद ये बुद्धि है उसको विवेकी बोलता है। हम अपना पहले एपिसोड्स में बुद्धि के बारे में डिस्कस किया, अंतकरण शुद्धि में। क्यों डिस्कस किया? क्योंकि एक विवेक होना जरूरी है, विवेकानंद, सही गलत को सही से अलग कर समझने वाला, और उसमें रहकर आनंद स्थिति में रहने वाला विवेकानंद है। आज हम सब वो विवेकानंद जैसा रहना है। फर्स्ट पॉइंट यही है, विवेक। अपने जीवन में ड्यूअलिटी, मतलब बाहर का दुनिया में, सृष्टि में, हर जगह दो रहता है। अपने मन में भी दो विचार आता है, बाहर का दुनिया में भी करो ना करो, जाओ नहीं, मतलब कुछ भी जगह, एक आगे गया तो एक कदम नीचे चलने वाला। और इस जगह सही डिसीशन कौन ले पाएगा, मतलब एक विवेकी ले जाएगा। इसलिए विवेक इस मुमुक्षु का मार्ग में फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब डिसाइड करना, पक्का डिसीशन। यस, अपने विवेक के बाद अपना सेकंड क्या है, मतलब वैराग्य। माय डियर फ्रेंड्स, आध्यात्मिक मार्ग में आना है तो वैराग्य रहना ही है। सही वैराग्य मालूम हो गया तो वो वैभोग स्थिति में रहता है। पत्री जी हमको बताता है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट वैभोग का मूवमेंट है। इधर कोई भी वैभोग स्थिति में रहता है, वैभोग स्थिति मतलब ही श्री महालक्ष्मी का स्थिति, वैभोगकारिणी है वो। भोग मतलब प्रापंचिक से रहना, वैभोग मतलब आध्यात्मिक पद में आनंद स्थिति में रहना। भोग कभी भी जाता है, वैभोग स्थिर से रहता है। इस वैभोग को पाना है तो
थोड़ा सा वैराग्य रहना ही दोस्तों। वैराग्य मतलब क्या है? क्या ये सब नहीं चाहिए, ये संसार को छोड़ना, हम हिमालय जाना, वही सोचता है जनरली वैराग्य। मतलब इसको वैराग्य आ गया नहीं, हमको संसार में निर्वाण करना है, इस संसार में रहते ही निर्वाण स्थिति को पाना है। मतलब अनेकत्व में रहते ही एकत्व को समझना है, इस अनेकत्व में एकत्व को पाना ही आध्यात्मिकता अद्वैतामृत है माय डियर फ्रेंड्स। सो वैराग्य मतलब, सही वैराग्य क्या है मतलब? यस, सही वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। सही है डिटैचमेंट, छोड़ना। क्या छोड़ना है ये बात इंपॉर्टेंट है। एक विवेकी को मालूम है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट विवेक हो गया। एक विवेकी को मालूम है क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना। संसार को छोड़कर आपको वैभोग मिलेगा बोलने से अब तक किसी को ऐसा नहीं हुआ। अपना करोर देवी देवताओं में संसार में रहकर निर्वाण का स्थिति को दिखा रही है शिव पार्वती। क्या दिखा रही है अपने को? ब्रह्म विष्णु महेश्वर तीनों संसारी है बट निर्वाण स्थिति में है। क्या सीखना है उनसे? मतलब वैभोग रहना मतलब वैराग्य के बारे में समझना ही पड़ेगा। दैट वैराग्य इज डिटैचमेंट। इधर क्लियर हो गया? डिटैचमेंट मतलब थोड़ा जानकारी लेगा। हम क्या सोच रहे, ये पूरा संसार मुझको पकड़ गया और मुझको मेरे से नहीं हो पा रही है, ये नहीं छोड़ रहे मुझको। हम सब संसार को ऊपर छोड़ दिया। अरे ये संसार में सब पकड़ गया मैम, वो नहीं छोड़ रहे, क्या करना है? वशिष्ठ जी ने, वेद व्यास ने, रमण महर्षि ने, आदिशंकराचार्य ने अपने इस डिटैचमेंट का, इस संसार ही मुझको पकड़ के, ये बात को रॉन्ग बोल रहे। वो बता रही है कि संसार आपको नहीं पकड़ा, आप संसार को पकड़ा है, इसलिए संसार नहीं छोड़ेगा, आप छोड़ना है। कैसा? हम क्या कर रहे, एक पौधे को पकड़कर, ये पौधा नहीं छोड़ रहे, सो पौधा छोड़ेगा क्या? नहीं, वो पौधा उस जगह सही है, हम पकड़ लिया, हम छोड़ना पड़ेगा। मतलब अपना एक्शंस को चेंज करना पड़ता है। संसार में रहकर डिटैचमेंट स्टेट में रहना, दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट डिटैचमेंट स्थिति। संसार में अटैचमेंट में रहना और अंदर ये पूरा संसार भी किधर ना किधर में सबको छोड़ना ही पड़ेगा। सब लोग अपने अपने काम में सही है और स्वेच्छा है, किसी का स्वेच्छा को मैं पकड़कर नहीं रहना, वो इंटरनल डिटैचमेंट। और बाहर अटैचमेंट से रहना, एक कमल जैसा। उच्च कीचड़ का तालाब में भी कमल कैसा रहता है? मतलब बिना वो कीचड़ का एक बूंज भी कमल का ऊपर नहीं रहता, वो वैसा ही रहता है, उससे दूर होकर नहीं रह रहे, साथ ही रह रहे वही तालाब में, बट वो तालाब का एक बूंज का पानी भी उसके ऊपर नहीं है। दैट इज वैराग्य स्थिति। वैराग्य में वैभोग स्थिति। सो वशिष्ठ जी ने ऐसा वैराग्य के बारे में बता रहे, छोड़ने का वैराग्य मतलब नहीं, संसार को छोड़ने का वैराग्य नहीं, संसार में रहकर जीने का वैराग्य के बारे में बता रही है। इसलिए सेकंड पॉइंट इस मुमुक्षु का जीवन में सबसे खास बात है वैराग्य रहना। यह वैराग्य कैसा आ जाएगा, इसके लिए प्रैक्टिस और कैसा रहना है, हम आगे एपिसोड्स में सब चीज आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तीसरा पॉइंट क्या है? इंद्रियों को निग्रहण करना, इंद्रियों को थोड़ा रेस्ट देना, इंद्रियों का अपने वश पर लाना। किस व्यक्ति ने इंद्रियों को निग्रहण करता है,
उसको गोपाल बोलता है माय डियर फ्रेंड्स। गोपाल का मतलब इंद्रियों को अपने वश किया, उस आत्मा का वश में किसी का इंद्रियम आ गया, मतलब वो गोपाल है। उस इंद्रियम से पूरा संसार का ज्ञान लेकर वो एकत्व स्थिति पर आ गया तो वो गोविंद है। आज हम इंद्रियों को निग्रहण करना, मतलब गोपाल बनना है, क्योंकि इस इंद्रियों क्या कर रहे, अपने बाहर का दुनिया में लेकर जा रही है। अपना काम क्या है मुमुक्षु का, अंदर का दुनिया में आना, मतलब बाहर का और नहीं अंदर का तरफ देखना पड़ेगा। यदि मैं अंदर को देखना है तो बाहर को रुकना ही पड़ेगा, बाहर का इंद्रियम को अंतर्मुख करना ही पड़ेगा। ये बाहर जाना और अंदर जाना एक ही समय नहीं हो पाएगा, एक को रुकाना है तो बाहर जाओ नहीं तो अंदर आओ। वेरी सिंपल। अभी हम डिसीशन लिया अंदर जाने के लिए, इसलिए इस इंद्रियों को स्टॉप करना पड़ेगा, निग्रहण करना, इंद्रियों को स्टॉप करना, गोपाल बनना है। एक बार इंद्रियों अंतर्मुख होना शुरू हो गया, रुक गया, मतलब तब रहेगा मुमुक्षु। नौ, मतलब फोर्थ पॉइंट क्या है, मुमुक्षु मतलब इधर 100% अपने रास्ता क्लियर है। और इससे क्या होता है, मतलब ब्रह्म ज्ञान, उस ब्राह्मण ब्रह्म स्थिति पाएगा हमको। इसी स्थिति को पाने के लिए इस अद्वैत मार्ग अपने पास है माय डियर फ्रेंड्स, जरूरी है। ये चार पॉइंट्स का शुरुआत से हम आगे जाएगा और इसी तत्व को हमको आदि शंकराचार्य ने कैसा उपमान देकर एक्सप्लेन किया। शिरो विवेकम, मतलब आदि शंकराचार्य बता रही है हमको, एक विवेकी को सिर, मतलब सिर और विवेक को एक उपमान से संबोधित कर रहे। विवेक मतलब सिर का स्थान है, अपना शरीर का जगह हमको इजीली दिखा रही है, क्योंकि आदि शंकर का शिष्य ने पूछा है ये चार रास्ता में सबसे खास क्या है बता दो। ठीक है, आप चार विधान तो बोल दिया, इस चार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब फिर आदि शंकराचार्य उनका शिष्य को एक्सप्लेन कर रहे हैं। शिरो विवेकम, आदि शंकराचार्य ने इनको शिष्यों को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया उपमान के साथ। शिरो विवेकम मध्यंतम वैराग्य, क्षम दयादि प्रचिंदम मुमुक्षु प्राण इच्छते। सिंपल है शब्दों, बट इसका अंतरार्थ बहुत अच्छा है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम चार रास्ता देखा है, इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब ये मुमुक्षु का रास्ता में वैराग्य से भी जा सकता है, विवेक से भी जा सकता है, इंद्रियों से भी वो रास्ता पर जा, इंद्रिय निग्रहण करने से भी वो रास्ता जा सकता है, मुमुक्षु तत्व से भी जा सकता है। इस चारों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब आदि शंकराचार्य बहुत अच्छा बता दिया कि अपना वैराग्य, विवेक, विवेक क्या है, मतलब अपना सिर से समान है। सिर इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। वैराग्य क्या है, मतलब अपना बॉडी और नीचे इस शरीर से इक्वल किया। और क्षमा दयादि, मतलब क्या अपने हाथों से करता है, इंद्रियों
इधर आदि शंकराचार्य ने अपने चर्या क्रिया से कुछ कुछ हो रही है, वो हाथ और पैर से इंद्रियों को किया, वो भी इम्पोर्टेंट है, इंसान को सब इम्पोर्टेंट है ना। और मुमुक्षु प्राण इच्छते, मतलब ये मुमुक्षु क्या है, फोर्थ पॉइंट, मतलब उनका प्राण वायु से समान है, एक सिर है, एक अपना नीचे बॉडी, एक हाथ और पैर इंद्रियों, और मुमुक्षु मतलब क्या है, मतलब उनका श्वास है बोला है। और मानव जीवन में सबसे खास किसको देता है, अपने सांस को देता है ना, इसलिए आदि शंकराचार्य ने बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्राण शक्ति, प्राणवायु, और वो प्राणवायु का जगह मुमुक्षु रहता है। इसलिए इस चार विधि विधान में भी क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब मुमुक्षु प्राण इच्छते, इस मुमुक्षु का तत्व ही इम्पोर्टेंट है, वो प्राणवायु से समान है। फ्रेंड्स, एक छोटा सा कहानी, कितना अच्छा बात है, एक गुरु है, वो गुरु के साथ बहुत बहुत परम गुरु है, एक शिष्य है, वो शिष्य को क्या गुरु का उपदेश लेना है, अच्छा उपदेश, उनका पूरा ज्ञान लेने के लिए उनको बहुत उत्सुक है, वो हर रोज़ गुरु के पास आकर गुरुजी मुझको सिखा दो, गुरुजी मुझको सिखा दो, और गुरुजी क्या कर रहे, कल सिखा दूंगा, कल सिखा दूंगा, मतलब हर दिन कल 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 ऐसा उनको ऐसा खींचते जा रही है। बट एक दिन वो शिष्य क्या किया, गुरु का पैर पकड़कर, जब तक आप मुझको ये सिखाता है तब तक मैं इधर से नहीं जाऊंगा, अब सिखा दो पहला। तब गुरु ने बोला हाँ कुछ तो करना है, अभी उनका अंदर वो जिज्ञासा ज़्यादा हो गया, अब इनको सिखा सकता है, गुरु भी टेस्ट लेता है, परम गुरु लोग ऐसा यूं ही नहीं उनको शिष्य बनेगा, वो लोग शिष्य बनाने के लिए बहुत कुछ परीक्षा रखता है, सहन ही परीक्षा है, कितना हम सहन से रहता है, एक गुरु उनका पास हमको ले जाता है। ओके, अब गुरुजी क्या बोला है, ठीक है आपको सुबह सुबह 4 बजे आकर वो तालाब के पास रहो, उधर मैं सिखाता हूँ। वेरी गुड, वो शिष्य क्या हुआ, 3 बजे ही आकर बैठ गया तालाब के पास, गुरुजी आ गया, आए तो वो रेडी है, तब उनको नहाने के लिए बोला है, वो तालाब में पानी के अंदर गया, तब गुरुजी क्या किया, तुरंत उसको पानी के अंदर डुबाकर ऐसा ही पकड़ गया, ऐसा पकड़ गया कि उनको श्वास नहीं चल रहे पूरा, गुरुजी छोड़ दो मैं मरने वाला हूँ, तब गुरुजी नहीं छोड़ा, और गुरुजी उधर उनको क्वेश्चन कर रहे कि क्या आपको बिजनेस याद आ रही है, आपका व्यापार के बारे में कुछ याद आ रही है, तो वो शिष्य ने बोल रहे नहीं नहीं गुरुजी मुझको कुछ नहीं याद आ रहा, पहला मुझको छोड़ दो, नहीं नहीं आपका पति और पत्नी का संबंध का बारे में याद आ रही है, नहीं गुरुजी मुझको कोई परिवार भी याद नहीं आ रही है, मुझको बच्चों भी याद नहीं आ रही है, अभी छोड़ दो गुरुजी, मैं सिर्फ जिंदा रहना है, आपको पूरा समाज ही याद आ रही है, तो वो नहीं गुरुजी मैं जिंदा है तो बस छोड़ दो, तब गुरुजी ने तो भी नहीं छोड़ रहे, गुरुजी मेरा श्वास नहीं चल रहे, मुझको श्वास लेने दो बस, इतना काफ़ी है, आपको मुझको दीक्षा भी मत दो, ऐसा बोलना शुरू किया शिष्य ने, तब गुरुजी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद शिष्य ने एकदम दुख और गुस्सा से, क्या आपको, आप मुझको मारने चाहता है, तब गुरुजी ने हंसते हंसते बोला नहीं नहीं आपको मारना मुझको उद्देश्य नहीं, बट यदि आप पानी में जब डूब गया आपको क्या याद आ गया, तब शिष्य ने बोला मुझको कुछ भी याद नहीं आई, सिर्फ मुझको थोड़ा श्वास लिया तो बस, जिंदा रहना है थोड़ा श्वास लिया तो बस, इतना काफ़ी है, बाकी सब जरूरत नहीं। तब गुरुजी ने बोला जैसा पानी में आपको कुछ भी याद नहीं आई सिर्फ सांस का अलावा, वैसा ही आपका जीवन में बाकी कुछ नहीं याद आना सिर्फ अपने साथ आप रहने का अलावा। देखो हम साधक का क्या चाहिए, उस साधना पद्धति में आनापान सति में हम इस श्वास के बारे में डिस्कस किया, इधर आदि शंकराचार्य भी वही बोल रहे, श्वास ही मुमुक्षु का
सबसे खास बात है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है मुमुक्षु तत्व। अभी क्या करेगा हम, उस मुमुक्षु तत्व को पकड़कर और आगे जाएगा। अपना जीवन में सांस कितना इंपॉर्टेंट है, ये मुमुक्षु का जिज्ञासा आकर एक क्षण तक रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। चलो आगे जाएगा, देखेगा एक मुमुक्षु कैसा कैसा उसका साधना करना है और उस एकत्व को पहुंचना है। लेट अस गो एंड सी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।